ठीक है, आज हम लोग करने वाले थ्री पॉइंट लाइटिंग। तो पहले देख लें थ्री पॉइंट लाइटिंग होता क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग के बारे में। ठीक है, गूगल पे सर्च करो थ्री पॉइंट लाइटिंग, इमेजेस में जाओ, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। ठीक है, अभी देखो मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, थ्री पॉइंट लाइट में दिस इज अवर कैरेक्टर। एक की लाइट आपको यहाँ पर दिया है, दूसरा फील्ड लाइट आपके पास यहाँ पर, तीसरा बैक लाइट यहाँ पर। ठीक है, अगर दूसरे वे में देखोगे आपके यहाँ पर की का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पर। देखो इधर आपका की प्लस रिम, की इधर है और रिम इधर है। तीसरा क्या है, की रिम एंड फिल। तो फिल क्या करता है, जो डार्क एरिया है उसको कवर कर देता है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, माया में गए यहाँ पे। अभी मुझे की लाइट लगाना है, तो सबसे पहले पहले मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, आर्नोल पे गया, लाइटिंग पे गया, यहाँ पे मैंने क्या लिया एरिया लाइट। ठीक है, आर फॉर स्केल। ओके, तो इस लाइट को लेके चलते हैं पैनल पे गए, लुक टू सिलेक्टेड, और मैंने यहाँ से ये एंगल दिया है मैंने। ठीक है, ऐसा मुझे की लाइट दिखाना है। की लाइट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। की लाइट मैंने यहाँ पे लिया, अभी मैं यहाँ पे इसका इंटेंसिटी मैं चेक करता हूँ, इंटेंसिटी कितना है, एक है, मैंने कर दिया फाइव। ठीक है, कुछ इम्पैक्ट बढ़ा गया यहाँ पे, क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, आर्नोल्ड पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, मैं आर्नोल्ड का मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पे, आर्नोल्ड ए आई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, तो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिया, और देखो यहाँ पे कुछ चीज़ विजुअल है कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूँ फाइव, शायद कुछ दिखे यहाँ पे, दिख रहा है पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है इसलिए ऐसा कुछ दिखता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैमरा भी क्रिएट कर लेता हूँ। देखो कैमरा वैसे यहाँ पे है, तो मैं हटाता हूँ यहाँ पे, क्रिएट पे गया, कैमरा पैनल लुक टू सिलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये सेट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन गेट होगा आपके यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, अभी हम लोग जो रेंडर साइज हो हम लोग सेट करके रखते हैं यहाँ पर। जैसे रेंडर साइज होता है ना, यहाँ पे पोर्ट्रेट पे मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रेंडर साइज है 600x600 भी कर सकता हूँ, 600x600। ठीक है, अपने नीट के अकॉर्डिंग चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूंगा। ये मेरा कैमरा हो गया, कैमरा को सेट करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हम लोगों ने ग्रिड ऑन किया यहाँ पे। ठीक है, इसे फील्ड चार्ट बोलते हैं, ये वाला पार्ट है फील्ड चार्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर पे कर देते हैं अभी। ठीक है, अभी ये काम करेगा, इतना लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे रेंडर करता हूँ यहाँ पे, तो रेंडर में मुझे देखेगा यहाँ पे, चलो ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। लाइटिंग करते हुए हमें क्या ध्यान देना है ये समझो, दिस वन आउटलाइनर। ठीक है, यहाँ पे दो व्यू ले लेना है, यहाँ पे एक को कैमरा व्यू बनाना, पैनल पे गए यहाँ पे गए कैमरा, दूसरे को अपने यहाँ पे क्या क्या परस्पेक्टिव बना दिया। ठीक है, अभी की है, अभी चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ देखो ऊपर गए यहाँ पे, ऑल पे किया मैंने यहाँ पे, विकीपीडिया पे आओ, विकीपीडिया में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाया है भाई की लाइट क्या है, की जो नाम है जिसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, फिल आपको यहाँ पे क्या होता है, फिल आपको इसके पार्ट को लाइक डार्क एरिया को फिल करेगा। ठीक है, रिम मतलब बैक लाइट होती है क्या, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो की इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, की के इंटेंसिटी पे गए यहाँ पे, और इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोजर को मैंने यहाँ पे एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ 10 कर दिया। तो यहाँ पे भी क्रॉस चेक करो यहाँ पे मेरे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, अभी यहाँ पे मेरे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, मेरे जो मॉडल है, मॉडल में एक चीज़ और है क्या, यहाँ पे देखो साइनिंग दिख रही है यहाँ पे, साइनिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए, यहाँ पे आपका क्या है स्पैकुलर है, स्पैकुलर का वेट कम करते हैं यहाँ पे, रफनेस थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे, रफनेस ये क्या होता है थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, तो की लाइट का इम्पैक्ट आपके यहाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, की के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और लाइट लिया, या तो मैं इसकी कॉपी कर सकता हूँ, नाम दे देना यहाँ पे, नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसका नाम दिया, डबल क्लिक कर दो KY की। ठीक है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, पैनल लुक टू सिलेक्टेड। अभी की के बाद मैं यहाँ पे पहले मैं रिम देता हूँ पे। ठीक है, तो रिम मैंने पीछे से दिया, रिम लाइट मतलब पीछे होना चाहिए, परस्पेक्टिव में गए ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा है मैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से क्रॉस चेक करूँ यहाँ पे, देखो रेंडर को सेव करते रहना, यहाँ पे मैंने सेव किया दिस वन इसकी, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया रेंडर के यहाँ पे, तो देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, पीछे का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक बैकग्राउंड से अलग हो रहा है। क्रॉस चेक करो पहले कैसा था अभी कैसा है, तो दिस इज अवर की, ये मेरे पास क्या है रिम, रिम का थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने हल्का सा ब्लूइश दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्लूइश है ना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे तो आता
ड्रामेटिक बनाने के लिए, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा करने के लिए। अभी देखो तो आपका पीछे का पार्ट थोड़ा सा और बेटर देखिएगा, यहाँ पर विजुअल है ठीक है। अभी ये जो डार्क एरिया आ रहा है ना, इसको मैं मैनेज करना है। अभी यहाँ पे होता है क्या, देखो एक फंड और बताता हूँ। की में क्या होगा, की की इंटेंसिटी आपकी जितनी होगी रिम उसका थोड़ा सा डबल होता है ठीक है। रिम को हम लोग बढ़ा सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं। 5 है, मैंने यहाँ पे क्या 10 कर दिया ठीक है। क्रश चेक करो यहाँ पे कैसा है, ठीक है यहाँ पे दिस इज लुकिंग बेटर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चीज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे की हुआ, यहाँ पे मेरा रिम हो गया। अब इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ठीक है। अभी हमने देखा की हमारी ये है और रिम हमारा यहाँ पे ठीक है, की प्लस रिम हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं फिल लाइट, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे ठीक है। पैनल लुक टू सिलेक्टेड। अभी फिल के अंदर एक पार्ट और क्या होता है कि जितना आपका की होगा उसका हाफ होना चाहिए फिल। पर्सपेक्टिव है क्या, देखो दिस इज की, ये मेरे पास रिम है तो आर आई एम रिम कर देना यहाँ पे। ये फिल है FILL फिल ठीक है। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो ध्यान, आप देखना पे पैनल लुक टू सिलेक्टेड अभी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे क्या किया 2.5। ये ध्यान रखना क्या, आपको इंटेंसिटी जितनी की होगी उसका डबल आप रिम रख सकते हो और जितनी की होगी उसका हाफ आप फिल रख सकते हो। तो ये आपका एक आउटपुट आ जाएगा ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रेंडर करके देखो, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे जब चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे जो डार्कनेस वाला पार्ट है इसने ये कवर कर लिया है, डार्कनेस दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा भी है, थोड़ा सा चीज़ को मैनेज भी करना है। यहाँ पे देखो डार्कनेस को कवर किया यहाँ पे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को लाइट में थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। पैनल लुक टू सिलेक्टेड और मैंने थोड़ा सा पीछे लिया, जितना पीछे को उतना लाइट कम हो जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि भाई जितना की है उसका आधा ही हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है हमें, ये ज़्यादा है यहाँ पे कम है, पीछे का रिम वाला पार्ट है। तो ऐसे करके हम एक कैरेक्टर लाइटिंग कर सकते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को दिखा सकें कि भाई मुझे यहाँ पे किस टाइप से काम करना है ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे सिंपल डबल प्रेस किया, पैनल लुक टू सिलेक्टेड, तो आप जैसे मैनेज करो आप यहाँ पे उस टाइप से चीज़ों को आपके यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी दिया, थोड़ा सा मैनेज भी किया और देन आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो एक बेसिक काइंड ऑफ आपका 3-point लाइटिंग यहाँ पे रेडी हो जाता है कि आपको 3-point लाइटिंग कैसे करना है ठीक है। कंपेयर करके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज अवर की, की एंड रिम एंड की, की है की और रिम एंड की फिल ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाता हूँ कि हमने जो भी सेव किया है यहाँ पे की फिल और रिम ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करें यहाँ पे, जो अगर मैं कहूँ यहाँ पे रेंडर है मेरे पास यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो की में आपको देखेगा यहाँ पे, दिस इज अवर की, की फिल एंड रिम एंड की एंड रिम। तो ऐसे करके हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे हम लोग लाइटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे 3-point लाइटिंग देखोगे चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी चीज़ दिखेंगे कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी दिखा रखा है यहाँ पे, आपका कैरेक्टर का भी दिखा रखा है, इसमें कंपोजिटिंग के साथ भी दिखा रखा है यहाँ पे ठीक है। 3-point लाइटिंग आपको बहुत से टाइप मिलेंगे यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।